हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आज फरा बनाएंगे। वैसे तो हर किसी को फरा बनाना आता है। आज जिस तरह से मेरे घर पे फरा बनता है, उस तरह की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस तरह से फरा बनाना बहुत आसान और बहुत टेस्टी फरा बनता है। बनाना स्टार्ट करेंगे। बनाने के लिए 200 ग्राम चना का दाल ले लिए हैं। आप जितना बनाना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। चना का दाल अच्छे से धुल लेंगे। दो से तीन पानी को अच्छे से साफ कर लेंगे। इस तरह से आप भिगो के रख दीजिए, और नहीं तो आप गर्म पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दीजिए। दाल अच्छे से फूल जाता है। इस तरह से दाल अच्छे से फूल जाएगा। गर्म पानी में भिगोएंगे तो जल्दी फूल जाएगा। अगर नहीं तो आप रात भर के लिए भिगो दीजिए, तब भी चना सब बहुत अच्छे से फूल जाता है। इस तरह से दाल फूल गया। आप अच्छे से धुल लेंगे, इसका पानी निकाल देंगे धुल के। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, बड़ा वाला मिक्सी का जार लेंगे पीसने के लिए। अब इसमें सारा चना का दाल डाल देंगे पीसने के लिए। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, 8 से 9 हरी मिर्च डाल देंगे। 10 हरी मिर्च डाल देंगे, तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार रख लें। 1 टेबल स्पून काली मिर्च डाल देंगे, आप यहाँ पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे। धनिया की पत्ती यहाँ डाल देंगे। धनिया की पत्ती ले लेंगे, जो डंठल इसमें पीस लेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप अब यहाँ पे 1 कप पानी पीसने के लिए डाल देंगे, जिससे दाल अच्छे से पीस जाए। दाल को अच्छे से पीस लेंगे। देख लीजिए, दाल पीस के कंप्लीट हो गया। इसी तरह तैयार करेंगे दाल पीस के। अब इसको रख देंगे। आटा यहाँ तैयार करेंगे। 500 ग्राम आटा ले लिए हैं, चावल का आटा 500 ग्राम फरा बनाने के लिए। अब इसमें चुटकी भर नमक डाल देंगे। आटा आप सने या गूंथे आटा, आप तो थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए, इससे बहुत अच्छा आटा गूंथ जाता है। गर्म पानी से गूंथेंगे तो आपका आटा बहुत अच्छा और सॉफ्ट गूंथ जाएगा। थोड़ा सा गर्म हो, हल्का सा गुनगुना हो, जितना आपका हाथ सह सके बस उतना ही गुनगुना पानी रखेंगे। इस तरह से आटा गूंथेंगे तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फरा बन के तैयार होगा। आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो खड़ा काली मिर्च डाल सकते हैं। खड़ा डालेंगे थोड़ा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नहीं तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। गूंथ गया है, इस तरह से गूंथ के कंप्लीट करेंगे। 5-10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि दाल कंप्लीट करेंगे। 1 टेबल स्पून डाल देंगे तेल यहाँ पे बनाने के लिए। तेल थोड़ा सा गर्म हो गया, अब इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा हो गया, अब इसमें हींग डाल देंगे। हींग आप ज़रूर डालें, आपको पसंद हो तो हींग ज़रूर डालें, क्योंकि दाल से जब कोई चीज़ बनाते तो हींग ज़रूर डालें आप। थोड़ी सी धनिया की पत्ती तड़के में डाल दें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें इसमें, अच्छे से मिक्स कर लें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें, इससे बहुत चटपटा बनेगा आपका फरा। आप चने का दाल या उड़द का दाल, कोई भी दाल जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं दाल। इसी तरह से आप फरा बनाएंगे, बहुत टेस्टी फरा बनेगा। अब दाल इसमें फ्राई कर लेंगे अच्छे से करवा में। आप इस तरह से फरा बना के एक बार ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छे से इसको भून लेंगे। अब स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल के नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो पानी इसमें डाल के पीसे से, इसीलिए इसको अच्छे से भून लेंगे, जिससे लॉन्ग टाइम तक फरा चलेगा आपका। आप 5 से 6 दिन तक भी अच्छे से खा सकते हैं। इस तरह से भून लेंगे अच्छे से, बिल्कुल सूखा कर देंगे भून के। इसे अच्छे से भून गया है, अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। धनिया की पत्ती डाल देंगे इसमें खूब अच्छे से। धनिया की पत्ती थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से आप फरा बनाएंगे। मेरे यहाँ इसी तरह से फरा बनता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आज हम अपने घर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अब ठंडा होने के लिए निकालेंगे। आप कढ़ाई में भी ठंडा कर सकते हैं, अगर टाइम का आपको थोड़ा
टाइम का बचत चाहिए तो आप अलग बर्तन में निकाल के इसको ऐसे फैला दे ठंडा होने के लिए। बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, इस तरह से आप फैला देंगे। 5 से 6 मिनट में अच्छे से ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल ठंडा हो गया, आप हरा बनाना स्टार्ट करेंगे। आटा भी इधर अच्छे से सेट हो गया, थोड़ा सा गूंथ लेंगे आटा। फिर हो गया बिल्कुल सॉफ्ट, आटा गूंथ गया। थोड़ा सा घी ले लेंगे, घी तेल आप कुछ भी ले सकते हैं। हाथ में लगा लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। इसे आप हाथ से भी बना सकते हैं, इसे चौके बेलने पे बेल भी सकते हैं। इस तरह से पहले हाथ से बनाना बिल्कुल आसान है। आप इस तरह से फरा बनाएंगे, ऐसे भी बन के कंप्लीट। थोड़ा बड़ी लोई लेंगे इस तरह से, ऐसे बड़ी लोई ले लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, बड़ी सी रोटी जैसे बेल लेंगे। थोड़ा सा मोटा, बहुत पतला नहीं बेलेंगे, इस तरह से ऐसे बेल लेंगे। इस तरह का कोई ग्लास हो, ढक्कन, कटोरी कुछ हो, आप उससे ऐसे काट लें। इस तरह से भी बहुत जल्दी फरा बन जाता। आपको जिस तरह से आसानी लगे उस तरह से आप बना सकते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। अब ऐसे दाल इसमें भर देंगे अच्छे से। दाल ऐसे भर देंगे इसमें, देख लीजिए इस तरह से आपको बता रहे हैं। आप इस तरह से बनाएंगे, अगर फरा बनाना भी आपको नहीं आता है तब भी आपको बहुत अच्छे से फरा बनाना आ जाएगा। आप एक बार इस तरह से ट्राई करें। बन के कम्प्लीट हो गया है। अब एक छन्नी लेंगे, आज फरा बहुत कम इसीलिए हम इस छन्नी में बना रहे हैं। आप मोमोज स्टैंड में भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी लगे उस तरह से आप फरा बना सकते हैं। लगा लेंगे इधर गैस पे, हम पानी रख देते, पानी अच्छे से उबल गया है, पानी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया। इस पे थाली रख देंगे इस तरह से, गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। अब फरा इस पे एक एक फरा करके रख देंगे, थोड़ा सा थोड़ा दूर पे, थोड़ा थोड़ा ऐसे दूर पे सारा फरा रख देंगे होने के लिए। अब इस तरह से रख देंगे 10 या 15 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम आपका कम ज़्यादा थोड़ा सा आप कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके ऊपर थोड़ा हैवी वेट रख देंगे तो इसका भाप नहीं निकलेगा, तो फरा अच्छे से पक जाएगा। 10 से 12 मिनट में इसमें चेक करेंगे, बीच में चेक करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल अच्छे से फरा हो गया है। जब इसका कलर ऑफ वाइट हो जाए तो समझ लीजिए कि फरा बिल्कुल अच्छे से पक गया है। देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से पक गया है फरा। अब इसको निकाल लेंगे, सारा फरा ऐसे निकाल लेंगे, दूसरा रखेंगे फरा। थोड़ा सा घी फिर लगा देंगे एक बार, 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से हो जाएगा फरा। आप सर्व करेंगे। इस तरह से आप फरा बनाएंगे, बहुत जल्दी फरा बन जाएगा, लॉन्ग समय तक रुकेगा भी। आप इसे कहीं आसानी से ले भी जा सकते हैं, ख़राब नहीं होगा जल्दी से। करवा पे आप इस तरह से फरा बना के ट्राई करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। इस तरह से फरा आप इसे गरम गरम घी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। घी या चटनी के साथ खाएं, आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। गरम गरम घी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। आप ट्राई करें और कमेंट करके बताएं घी के साथ आपको कैसा लगता है फरा।